अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फाह मिर्ज़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसीपी लाहौर में एडमिशन्स जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ओपन हो चुके हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह एट द एंड वो लगा भी दूंगा। इस वीडियो में मैं जो कंप्यूटर साइंस और आईटी डिपार्टमेंट का जो सैम्पल टेस्ट है, जिसे एंटर टेस्ट भी कहते हैं, उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके किस लेवल की डिफिकल्टी होती है और किस नोयत का टेस्ट आ रहा होता है। तो वीडियो पर डिटेल पे जाने से पहले, अगर ऑलरेडी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो डू सब्सक्राइब इट, और अगर पहली दफा आए हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, एंड इफ यू फाइंड माय कंटेंट वर्थ इट तो इसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके अलावा हमारा क्लास एनिमेशन का चैनल है, जिसमें हम पाकिस्तानी हीरोज की 3D एनिमेटेड स्टोरी शेयर करते हैं, उसको भी देखिएगा, उसमें हमने मेजर अजीज भट्टी की एनिमेटेड स्टोरी शेयर की हुई है, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स द टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करूंगा, इसमें मैं फिजिक्स पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ, फिर आगे मैथमेटिक्स, इसी तरह इंग्लिश, और जो है स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करता जाऊंगा पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स में। तो फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इनटू, फिजिकल क्वांटिटी टू कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है जी। अभी मतलब ऑब्वियसली इधर तो सिर्फ टू कैटेगरीज का पूछा है, मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया है। अच्छा, इन इक्वेशन एफ फिजिकल टू एम ए, एम इज इनर्शियल मास जो है। If a brick of 2 kg is dropped from the rest position of 5 mm above the ground, then its velocity at height of 3 meter above the ground is, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ बाई एम हाफ एम वी स्क्वायर, और जो है उसका, ठीक है जी, हाइट जो है, मैं आपको इसका एक मिनट आपको एक एग्जांपल सॉल्यूशन भी आंसर भी जो है जो किया हुआ वो दिखा देता हूं, ताकि आपके लिए इजी हो। ये मोस्टली क्वेश्चन जो है ना, ये वाले तो इन्होंने ऑनलाइन साइट से ही उठाए हुए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये हाइट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, 2 kg into 9.8 meter per second, और जो height change हो रही है वो 5 meter minus 3 meter है, और जो है 3 meter पे हमने actually जाके calculate करनी है, और 1 by 2 into 2 kg, और जो initial velocity है वो 0 थी, और final velocity v square जो calculate करनी है, तो वो किया है calculation आप करेंगे तो आप जो है 6.26 answer है, और इधर 6.3 मतलब approximate करके उसको करें तो अच्छा तो 6.3 मीटर पर सेकंड आएगा। अच्छा, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये हमेशा 90 डिग्री होता है, टेंजेंट बना के चलता है, तो वो जितना भी होता है उसको 90 डिग्री पर। वन टार जो है वो 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। फॉर एयर मीडियम द वैल्यू ऑफ एपिलेप्स, इसको मैं इसका मैं वर्ड माइट बी जरा कंफ्यूज कर गया हूं, इसको वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एट रूम टेम्परेचर जो है 1.000059 है, तो इन्होंने 1.0 दिया हुआ है, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। इफ अ ट्रैवर्स वेवलेंथ ट्रैवलिंग इन अ रेयर मीडियम, इट इज रिफ्लेक्टेड सच दैट इट अंडरगोज अ चेंज ऑफ 0 डिग्री, ठीक है जी। अगर रेयर मीडियम में जाए जो है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, मैं आपको इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ, तो 0 डिग्री का डिफरेंस आता है। और अगर इधर एक पूरा चार्ट भी है, मैं चार्ट इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि उसमें कैसे जो है वो डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंस आता है, ठीक है जी। अ रिफ्लेक्शन एट डेंसर मीडियम, देन इट्स क्रेस्ट रिफ्लेक्टेड एज दो एंड वाइस वर्सा, सो इट्स फेस चेंजेस एट 1 डिग्री, द करेक्ट रिफ्लेक्शन, नहीं ये असल में एक मिनट में आपको निकाल के देता हूँ। देयर इज नो चेंज ऑफ फेज व्हेन अ ट्रैवर्स वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, ठीक है जी। तो जो रेयर मीडियम से है इज इन डेंसर मीडियम पे जाती है, तो कोई जो है वो अंडर को चेंज नहीं होता। द फ्रिक्वेंसी स्ट्रेच्ड व्हेन इक्वल टू, अच्छा इसका मैंने आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश की है, जो है मैं अभी तक इसका प्रॉपर आंसर नहीं फाइंड आउट कर सका, बल्कि अगर आप में से किसी को इसका पता है कि हाउ स्ट्रेच में क्या लूप का इफेक्ट होता है कि नहीं, तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको कोशिश करूंगा हाईलाइट कर दूं। अ लाइट वेव प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज कंसिस्ट ऑफ पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, इलेक्ट्रिक भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। द लाइट विच हैज कंपोनेंट आर डायरेक्शन इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। लॉ ऑफ फ्लक्चुएट्स जो है वो न्यूलैंड ने वो स्टेट किया था, मैं इनका पूरा नाम भी इधर से आपको सर्च करके बता देता हूँ।
इनका एन कुछ करके था, जे आर न्यूलैंड्स, जे आर न्यूलैंड्स ने किया था। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स कंटेन 32 एलिमेंट्स, सिक्स जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो सिक्स जो है 32 एलिमेंट्स करता है। अच्छा, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम विच इज करेक्ट वन, इसमें आपने साइज देख लेना है पीरियोडिक टेबल की मदद से, जो जिसका साइज सबसे हाईएस्ट है उस वाले ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो कंपैरिजन करके जो है जो आपको करेक्ट वन लगे उसको लगा सकते हैं। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज मैक्सिमम फर्स्ट आयोनाइज, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबको पता है कि हीलियम की जो है हाईएस्ट होती है पीरियोडिक टेबल में, तो ये सो अक्रॉस अ शॉर्ट पीरियड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स, मेरा जहां तक ख्याल है कि इसको मैं कोशिश करता हूँ आंसर करने की, लेकिन इस क्वेश्चन को भी मैंने सर्च आउट करने की कोशिश की है, मैं राइट आंसर लगा नहीं सका है। मेरा जहां तक ख्याल है इसका जो है इन अ पीरियोडिक टेबल, मुझे वैसे ये क्वेश्चन मेरे हाल में ये इस तरह पूछना चाहिए कि पीरियोडिक में ऊपर नीचे मूव करें शॉर्ट पीरियड मेल्टिंग पॉइंट एंड बाई, ये क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि शायद पूरी तरह ये सही तरह पूछा नहीं गया हुआ, तो इसको मैं इंशाल्लाह, लेकिन अगर आपको समझ आई है और आपको पता है इसका आंसर तो इसको भी कमेंट में पास ऑन कीजिएगा। तो ये था फिजिक्स का पार्ट, इसके अलावा आप इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में आईक्यू और जो है एनालिटिक्स जिसे कहते हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश को भी सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसके अलावा कोई फर्दर क्यूरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आंसर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमारा क्लास एडमिशन का चैनल है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर मोहम्मद वामिर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।